भाई साहब रास्ते में इतना फॉग मिल गया ना गाइस, ये देखो सारा ब्लॉक हो रखा है। तो वापस मोड़ दिया, कोई ब्लॉक करके जगह है वहां से। पर जो भी इस टाइम दिल्ली से आ रहा है, फर्स्टली हां जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की सुबह बड़ी ही एडवेंचरस थी। क्या थी? एडवेंचरस। तो फिलहाल हमें आपको बताया थे, हम जा रहे हैं मनाली और किसानों का सिस्टम लगा हुआ है। आज है 16th of February, कुंडली का बॉर्डर हमने जैसे तैसे करके पार कर लिया है, क्योंकि हम रास्ता जो हमने पकड़ा वो दिल्ली से बवाना, बवाना से औचंदी, औचंदी से हमने वेस्टर्न पेरिफेरल पकड़ा और उसके बाद अब हम वापस बैक टू दी नॉर्मल हाईवे आ गए हैं, सोनीपत वाला, पानीपत वाला। पीछे ट्यारा सोरी है, उसके लिए हमने बेड बना दिया था और टाइम हो गया 7। गूगल हमें दिखा रहा है कि हम भी 7 बजे ही पहुंचेंगे शाम को। अब मेन कंसर्न इज दिस कि हमें नहीं पता आगे अंबाला का जो शंभू बॉर्डर है, जारी है। हाँ, वॉल्वो जारी, तो दैट मीन्स रास्ता ठीक है, खुला होगा, कहीं ना कहीं से डाइवर्जन होगी। तो बेसिकली जो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर का मेन कंसर्न है अपने को। वहां से हमें क्या डाइवर्जन मिलता है वो आप भी ट्यून रहें, चैनल को देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रूट ठीक है और कैसे कैसे मनाली जाना है। तो अभी मूर्थल भी नहीं पहुंचे हैं, सुबह 5:30 बजे घर से निकल गए थे, मूर्थल बस अब जस्ट पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट वहाँ सोनीपत वाला कट हमने पास कर दिया है और मूर्थल पहुंचने वाले हैं और 5 से 10 मिनट में। तो चलो आगे का हाल आपको आगे चल के बनाते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग बहुत अच्छा अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, प्लीज ऐसा सपोर्ट दिखाते रहें सो दैट मैं ऐसी ही वीडियोस आगे बनाता रहूं और आप लोग को पास पहुंचाता रहूं, ठीक है जी। तो चेहरा के तो 12 बजे पड़े हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम इतनी ज्यादा फॉग मिली ना। चलो एक काम करते हैं, मैं ना जो पहले की मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो आगे। तो रास्ते में इतना फॉग मिल गया ना कि कुछ दिख नहीं रहा है। आगे वाली गाड़ी भी ब्लिंकर जला जला के जा रही है, बिल्कुल धुंधला हुआ पड़ा है। सुबह के 6:30 बज गए हैं, किसानों के चक्कर में बैंड बज गई है, पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे गांव में गूगल लेके जा रहा है। 6 बजे का नहीं, 6:15 बजे का अराइवल हो गया। अब देखते हैं कैसे हो पाता है। तो गाइस हम लोग ना पानीपत पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, मूर्थल हमने क्रॉस कर लिया था, बट प्रॉब्लम इज कि आगे का रास्ता हमें दिखा नहीं रहा GPS, तो वहां पर मेरे ख्याल से नेटवर्क सारे शट हैं, तो राम भरोसा निकल पड़े हैं। तो देखते आगे अब कैसे रास्ता पता लगता है, कैसे होता है, गॉड नोस। जय माता दी करके निकल गए हैं एंड आप लोग बने रहे, आगे के हाल आपको इसी ब्लॉग में बताते हैं। अब तो रास्ता ही नहीं छोड़ रही, मिलते ही जा रही है। भाई करनाल पहुंच गए हैं, सूर्य देवता ने हमारे को अपने दर्शन दे दिए हैं और टेम्परेचर बाहर का अभी 8 डिग्रीज दिखा रहा है। एंड अंबाला यहाँ से 82 किलोमीटर्स है, अभी तो सारी गाड़ियां जा रही हैं। डाइवर्जन लगा हुआ है और निकल तो गए हैं हम आगे के लिए, मामला स्ट्रेस वाला होता जा रहा है। चलो देखते हैं आगे। क्षेत्र पहुंच गए हैं और बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है, अंबाला यहाँ से 42 किलोमीटर रह गया है। सुबह
गाइस आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है, स्टॉप करवा दिया है और यहाँ से डाइवर्ट कर दिया है रूट। हाँ बेटा देखो यहाँ से स्टॉप कर दिया ना हमको, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अभी आवाज भी नहीं निकल रही है ग्यारह की। आवाज ही नहीं निकल रही, उनको आवाज ही नहीं आएगी। हाँ वाटर पी लो आप, हम आगे का रूट बताते हैं अभी जरा। आगे देखो आप गाइस यहाँ शाहबाद पहुँचे हैं। डाइवर्जन तो अभी कुछ दिखा नहीं है, गूगल सीधा ही दिखा रहा है, तो अभी हम सीधा ही जा रहे हैं। शाहबाद से डाइवर्जन कर दिया था जैसे कि पीछे आपको दिखाया। बैरिकेडिंग मिल गई है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो रास्ता मुझे लगता है कुछ चेंज ही करना पड़ेगा, गांव के अंदर अंदर से जाना पड़ेगा। पूछते हैं अभी किसी से ना। गाइस ये देखो सारा ब्लॉक हो रखा है, तो हमें यहाँ से बेसिकली बराडा भेज दिया है, बराडा से पंचकुला हाईवे, पंचकुला हाईवे से जहाँ मर्जी जा सकते हैं। यहाँ से पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है, तो मुझे लगता है कि हमें कम से कम एक घंटे का पूरा वो मिल गया है, स्टॉपेज रूट एक्सटेंड हो गया है। तो कोई नहीं, अभी तो मतलब एक घंटे का ही दिखा रहा है गूगल, देखते हैं आगे जाके कैसा होता है। यहाँ से बराडा जाना है, बराडा के बाद मतलब शाहबाद से ही रास्ता बदल दिया है। शाहबाद का जो मेन फ्लाईओवर है वहाँ से हमें नीचे उतार दिया था, नीचे उतारने के बाद अब हम राइट ले लिए हैं वहाँ से हमने जाना है बराडा, बराडा से देन पंचकुला हाईवे, पंचकुला हाईवे से मोहाली, देन यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो एज पर पुलिस। अब उनको हम शूट नहीं कर सकते थे तो हमने उनको शूट नहीं किया, ठीक है ना। तो आगे अब आपको बराडा वाला हाईवे दिखा देते हैं, यही हाईवे कच्चा पच्चा हाईवे है, दिखाओ जरा रोड दिखाओ, बहुत कच्ची पक्की है। सो गाइस बराडा पहुंचने में अभी टाइम है, तब तक प्यारा आपको कुछ बताना चाहती है। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कैसे ग्रो होता है प्लांट। एक छोटा सा फ्लावर पॉट लो, फिर उसमें बीज डालो उसके, फिर वाटर डालो 10 बारी, फिर वो ग्रो करते जाएगा। फिर केयर एंड केयर केयर में क्या होता है बेटा? केयर एंड स्माइल, केयर एंड स्माइल प्लांट बन जाएगा। केयर स्माइल वाटर वाटर टेन टेन एवरी डे सिक्स और सिक्स पार्ट्स होते हैं उसके। ओके अच्छा के साथ अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, राइट? हाँ, सेवन पॉइंट्स के साथ ग्रो कर सकते हैं अपने प्लांट को। तो सब अपने घर में अपने छोटा छोटा प्लांट्स बनाएंगे, सब अपने घर पे छोटा छोटा प्लांट्स बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट करके बताएंगे। टियारा कब बना रही है? सरप्राइज शेयर सरप्राइज। चलो बाय।
पंचकुला चंडीगढ़ के लिए यही जाना है, क्योंकि वहां पर एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ, उस पर तो एरो यही दिखा रहा है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ ना। सबसे पूछा जा रहा है कि चंडीगढ़ के लिए कौन सा रास्ता जाएगा, ये थोड़ा सा भूल भुलैया हो गया हमारे, सारी कार्स रुक गई है। भाई बहुत भूल भुलैया हमारा रखा है। आप मुझे बताओ, ये वाली रोड ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, लाइक इस वाली रोड पे ना सेंटर ये इश्क है ये वाला सॉन्ग का कॉपीराइट आ जाएगा, वो वाला रील बनाना चाहिए। ये बेसिकली टनल बना हुआ है ना, ट्रीज में आगे अपने आप से जॉइन हो रहे हैं, वो टनल बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। इट्स लुकिंग जस्ट लाइक अ टनल, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो गाइस हम पंचकुला हाईवे पहुंच चुके हैं एंड टाइम इज 9:42, अभी 7 आवर्स मोर दिखा रहा है, तो दैट मींस बाय 5 PM अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए भी रोकेंगे, बट वो कहाँ रोके हैं, कुछ अच्छी जगह मिले तो। सो गाइस आफ्टर 5 hours ऑफ ड्राइव अब हम चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जनरली चंडीगढ़ पहुंचने में 3 hours लगते हैं, और यहाँ से भी अभी 7 hours रिमेनिंग है 300 kilometers फ्रॉम हियर। ये पंचकुला एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर टोल लग रहे हैं, बट वे स्मूथ था, हमें ज़्यादा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मनाली अब यहाँ से क्या रूट बनता है मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस अब हम पंचकुला पहुँच गए हैं और यहाँ से आगे चंडीगढ़ जा रहे हैं। बुआ आई लव यू, वी आर इन चंडीगढ़, वी आर इन चंडीगढ़ बुआ, आपको बाद में पता चलेगा जब आप व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ से अब इट शोज 6 hours 41 minutes 281 kilometers। चंडीगढ़ आकर के चंडीगढ़ की बात ही अलग है, क्या ब्यूटीफुल प्लेस बनी हुई है ना। बहुत मन है बुआ आपके घर आने का, बट हम ना आ नहीं पाएंगे, लेट हो जाएंगे। चलो 11 बज गया, कुराली टोल पे पहुंच गए हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से टोल वो बैठे हुए हैं यार, किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर। जाने दे रहे क्या, जाने नहीं दे रहे हैं। होल्ड करो, स्टॉप कर दिया, और मुझे लगता है टोल नहीं लेने दे रहे हैं, तो टोल वाले हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं, वही मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पर जाम सा लग गया, कुराली टोल है ये। गाड़ियाँ तो आ रही हैं, जाने मेरे मतलब देखते हैं कैसे होता है, देखते हैं अभी। गाइस कुराली बॉर्डर से, बॉर्डर नहीं बेसिकली टोल से अपने को वापस मोड़ दिया, कोई ब्लॉक करके जगह है, वहाँ से परनाला होते हुए जाना है। अब समझ में तो आई नहीं है, जाके देखना पड़ेगा। यूटर्न यूटर्न मैडम बोले जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से जाना है, सही ब्लॉकेजेस हो रखी हैं। बिग एडवेंचर, जब भी आप मनाली जाते हैं कुछ ना कुछ एडवेंचर होता ही है। लास्ट टाइम वापस आते हुए मिल गया था ना अपने को, वो एप्पल्स का वो था हार्वेस्टिंग सीजन। चलो जी देखते हैं आगे मिलते हैं, ब्लॉक से होते जाते परनाला एंड समथिंग लाइक दैट इन दैट। अलग अलग है, थोड़ी लैंग्वेज अपने को आती है, थोड़ी बहुत आती है पंजाबी तो बोल लेते हैं। चलो मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली अपन लोग रोपड़ पहुंच गए, अब होपफुली यहां से सब कुछ स्मूथ होना चाहिए, मतलब यहां तक आने में वैसे जनरली 4 से 5 घंटे लगते हैं और हमें आज 7 घंटे लग गए हैं, यही स्ट्रेट रोड जा रही है। प्रोटेस्ट पूरा चल रहा है, हमने तो यहाँ से क्लियर कर लिया।
आनंदपुर साहिब थोड़ा सा दूर रह गया है, हिमाचल इंटर कर जाएंगे ना तो हमें ऐसी कोई रुकावट मिलनी नहीं है। टाइम हो गया है 11:46 और ये दिखा रहा है 5 बजे अराइवल। किश्ते जा रहे हैं अब तो, बस रुके भी नहीं है एक बार भी, दिल्ली से लेकर अभी तक कहीं रुके ही नहीं है। फाइनली अब कुराली पहुंच गए हैं, कुराली नहीं यार सॉरी रोपड़ कुराली, पता हमको वो मिला था ना वहाँ से हमने डाइवर्जन लिया था। तो अभी ये जिम्मेदार ढाबा है यहाँ पर हम रुके हैं। और क्या रहा? हाँ जी बोलो जी, प्यारा झूला झूल रही है, 1 बजने वाला है, उसके बाद अब यहाँ से निकलेंगे। आगे फिर रास्ता हमारे नालागढ़ वाली रोड पे मोड़ दिया है, फिर से रास्ता ब्लॉक है रोपड़ के आगे भी। फिर भी टेंशन मत लेना रास्ते, फिर भी हम अपनी होप नहीं छोड़ रहे हम अपनी होप नहीं छोड़ रहे हम अपनी होप नहीं छोड़ रहे आपने भी नहीं छोड़नी, और हमारे साथ बने रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आज हम मनाली जाए करेंगे पक्का, रास्ते हम निकाल के रहेंगे क्योंकि भाई टारा हमारे साथ है। चलो यार आगे रास्ता ढूंढते हैं बेसिकली अनंतपुर साहिब बंद कर रखा है। और ये भी दिखाओ, और ये देखो टारा का, दिखाओ टारा, अब बोलो जाएंगे जाएंगे छोड़ेंगे मनाली को। हमको स्नो देख रही है इसलिए हम मनाली को नहीं छोड़ेंगे। चलो अब आगे मिलते हैं, बोल दो आगे मिलते हैं, मिलते हैं। चांद तगड़ा लगा हुआ है, सभी भाग रहे हैं, दिल की बाड़ी आ रही आगे। प्यारा टेक द नेक्स्ट राइट देन मेक अ यू टर्न। चलो जी फाइनली हिमाचल एंटर कर गए, मच अवेटेड। अब ये रास्ता जो बेसिकली ये जो रास्ता है वो स्वर्गाट से होते हुए जाएगा, विच इज पेनफुल फॉर अस बिकॉज हमने नए रास्ते में जाना था, तो आगे जाके वो मिल जाएगा। रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बंपी है। प्यारा कुछ कहना चाहता है? हाँ। बोलो बोलो प्यारा। अभी मैं मुंह में चुनाव खा रही हूँ, पहली बार पूरी हमारी नहीं। चलो यार थैंक गॉड हिमाचल तो एंटर हो गया ना, मेन पंगा तो पंजाब में है, मेन पंगा पंजाब में है, पंजाब के बाद अब हिमाचल में एंटर हो गए तो अब हम कहीं ना कहीं से जाके तक मिल जाएंगे अपने मेन हाईवे पे। और इस टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, अब देखते हैं हमारी जो डेस्टिनेशन है हमारे होटल पे हम कितने बजे पहुंचते हैं। वैसे तो ये 5:20 दिखा रहा है, कितने बजे पहुंचते हैं क्योंकि आगे जाम बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा कार्स यहीं से जा रही हैं, पतली रोड है, बने रहो यार स्ट्रेस लेवल इंक्रीज्ड। गाइस फाइनली अपन लोग पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, ये स्वर्गाट वाला रोड है, हमको नया वाला हाईवे मिला नहीं, मे बी आगे जाके हम ज्वाइन हो जाएं। यहाँ से भी अब हमें 5 hours 12 minutes 209 kilometers एंड टाइम इज 2:04 दैट मीन्स हम 7:15 के आसपास वहाँ पहुँचेंगे, आगे कोई स्टॉपेज नहीं होने चाहिए। सो गाइस फाइनली हम टनल वाले रास्ते में पहुँच गए हैं, ये रही हमारी टनल नंबर 1। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस वे, नाइस, दिस इज टनल नंबर 1। अगर हम काउंट करते हैं कितनी टनल्स हैं, ऐसे ऐसे रास्ते से लेके आया ना कि पेट्रोल फिर से रिफिल करवाना पड़ गया, नहीं तो फुल टैंक में हमारी गाड़ी मनाली पहुंच जाती है। तो अब देख रहे हैं भरवा रहे हैं पेट्रोल, देखते कितने का आता है। 2600 में हमारा फुल टैंक हो गया,
टैंक हो गया अपना लबा लब। अब हम चलते हैं आगे को, अब देखते हैं रेंज कितनी आई है। द रेंज इज 498 किलोमीटर्स एंड यहाँ से मनाली 175 किलोमीटर्स। भाई सब किसी की कॉल आई हुई थी। 177 किलोमीटर्स, 4 आवर्स 25 मिनट्स, टाइम इज 252। चलो लेट्स सी कितना बीट कर पाते हैं गूगल को। तो ये हमारी तीसरी टनल है और स्पीड मुश्किल लग रही है आती हुई। ट्रक्स जो है ना लोड लेकर के चलते हैं। स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गूगल को मीट कर लें। गाइस अप्रोचिंग टुवर्ड्स टनल नंबर 4, जय बजरंगबली। फाइनली अपन लोग मंडी क्रॉस कर रहे हैं। इट्स 4:20 नाउ और यहाँ से गूगल अभी 2.5 घंटे का 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स का रास्ता और दिखा रहा है। तो 4:20, 2:06-7 o'clock तक ही पहुँच पाएंगे। पानी सूख चुका है, ठंड इतनी है नहीं, 20 डिग्रीज बाहर दिखा रहा है। मनाली में पता लग गया कितनी ठंड है। पंडो डैम पहुंच गए हम। पुराना रास्ता तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, नए रास्ते से जाएंगे, देखते हैं कैसे रूट बनता है। इन 400 मीटर का रास्ता बन रहा है अभी। गंदा रास्ता बना हुआ है, नया बनाते हैं टूट जाता है। सो गाइस दिस इज टनल नंबर 11, बट हमारे लिए टनल नंबर 6 है ये। तो आज हम इसमें से भी जा रहे हैं न्यू वे। ये ड्राइंग्स बड़े अच्छे करते हैं यार हिमाचल में ना, सो ब्यूटीफुल। टनल भी देखो कितनी ब्यूटीफुल है। एक टनल के बाद दूसरी टनल। गाइस हम लोग और टनल के बाहर निकल रहे हैं। अब नजारे ही चेंज हो गए और टनल के बाहर निकलते ही। लुक एट द व्यू, ठहरा भी बोल रही हूँ, वाओ ब्यूटीफुल माउंटेन्स। साढ़े पांच हो गए हैं, यहाँ से मनाली 60-65 किलोमीटर है। तेरा सिंग वाओ अगेन एंड अगेन, तेरा को मजा आ गया। तेरा मनाली आने वाला है बेटा। अच्छा लग रहा है आपको भी, वाओ तेरा डाटा सेम। सो ब्यूटीफुल व्यू। छोटे छोटे बोल रहा बाबू। सो गाइस फाइनली अपन लोग पहुंच गए हैं मनाली। हाँ। और आ गया हमारा होटल। हाँ। So guys, ये रहा हमारा विला। हम पहुंच गए हैं।
बाबा जी हमारे रास्ता खोल रहे हैं। अच्छी बात, ठंड भी काफी है। लास्ट नाइट की बस पैकिंग है ये। अच्छा, उठाओ भरो, उठाओ भरो, उठाओ भरो, जल्दी उठाओ। ओह देखो स्नो गाइस, ओह माय गॉड, देखो 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 ये स्नो यहाँ तक भी आई हुई है। Chara is so excited with the snow. Swingy भी सुन ले। Swingy अभी बेटा wet होगा, morning में जब धूप होएगी ना तब खेलेंगे, ठीक है? चलो अभी ऊपर चलते हैं, रूम तो देखें प्यारा का रूम कैसा है, देखे। So guys, ये अपना विला है, ये पूरा विला का आपको मैं अलग से टूर देता हूँ। अभी तो हमें 13-14 घंटे लग गए पहुंचने में, हालत टाइट है। चलो आपको अपना रूम टूर दे देते हैं। दिस इज आवर रूम एंड वॉशरूम इज रियली बिग। हीटर है साथ में, इसके अंदर ये बेड हीट करने के लिए दिया हुआ है सिस्टम। फिर ये हमारी गैलरी, प्यारा यहाँ खड़ी हुई है। एंड गैलरी से सामने सारा, मॉर्निंग में दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? चलो आ जाओ अंदर चलते हैं, ठंड हो रही बाहर बहुत। मुझे भी, मेरे त्यारा को तो मैं दिखा ही रहा हूँ। हेलो बोलो भाई। गेट इनसाइड, यू आर नॉट वेयरिंग शूज। सो गाइस अब हम अपने चिड्डी लेके आ गए हैं शॉप से और हम बनारी भी पहुंच गए हैं और मॉल भी पहुंच गए हैं। स्नो उनको हम मॉर्निंग में दिखाएंगे, नहीं अभी नहीं ना, मॉर्निंग में और अच्छे से दिखेगी ना। अच्छा तो फिर मैं उनको एक बात बता दूं। तो गाइस बेसिकली जो भी इस टाइम दिल्ली से आ रहा है, फर्स्टली सिंगू बॉर्डर आज क्लोज था, मैं चंगी बॉर्डर से होते आए हैं वो भी KMP के थ्रू, विच टुक अस अराउंड 1.5 hours मोर। उसके बाद से हम स्ट्रेट टूवर्ड्स करनाल है, करनाल से लेकर शाहबाद है, शाहबाद से हमें फिर चेंज करना पड़ा, कौन सा रोड था वो, दबराड़ी होते हुए टूवर्ड्स पंचकुला हाईवे गए हम, जबकि हमने सीधा जाना था राजपुरा से राइट लेना था क्योंकि वो सारा कुछ बंद था, तो फिर वहां से हमारा रूट चेंज कर दिया गया। फिर वहां से हम पंचकुला से हम गए कुराली बॉर्डर, चंडीगढ़ पंचकुला। हाँ बेटा, कौन सा? दैट इज अ प्लेस। पंचकुला से होते हुए हम कुराली बॉर्डर गए, कुराली बॉर्डर में भी नहीं पहुंच पाए, हम सीधा पहुंचे कुराली के टोल में। कुराली के टोल से वहां पर फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट था, वो आपने देख लिया होगा, और फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से फिर हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। फिर हम वहां से रास्ता लेके आए पुरखाली, पुरखाली से स्वर्गाट, स्वर्गाट से पुराने वाला रास्ता, बाकी आपको व्लॉग के अंदर देख लिया आपने। बोलो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगती है। तो स्वर्गाट के थ्रू हम मनाली में आए, तो वहां से हमें तो अब मेरे को बोलने दो, अब एंड करेंगे, अब एंड करेंगे चारू, दिस इज रॉन्ग। तो बेसिकली फिर हम वहां से अब इस टाइम 7:30 के अप्रोक्स हम मनाली पहुंच गए, फाइनली थक चुके हैं। और कल के व्लॉग जरूर देखने हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कंटिन्यू सब्सक्राइब ना चाहिए, क्या कर दो, सब्सक्राइब प्यारा के लिए सरप्राइज कर दो, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ, आप हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए कीप फॉलोइंग, प्यार देते रहो। टिल देन कल के एक बड़े अच्छे से सरप्राइज कर दो, तो कल के एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो टेक केयर, मोह लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, बाय।